नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन चौहान, गुदा रोग विशेषज्ञ श्री धन्वंतरी क्लिनिक गाजियाबाद से आपका स्वागत करता हूं। और अभी हम ये एक चर्चा कर रहे हैं एनोरेक्टल बीमारियों पे। इसमें हम पाइल्स के बारे में चर्चा करी हमने, अब फिशर के बारे में हमारी चर्चा जारी है। अभी फिशर के बारे में हमने पिछले वीडियो में फिशर के कारण और लक्षण का जो है वो किया था डिस्कशन, और आज जो है हम इसके फिशर के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रिवेंशन की अगर बात करें तो पाइल्स और फिशर दोनों का प्रिवेंशन सेम, ऑलमोस्ट सेम ही होगा, क्योंकि दोनों के जो कारण हैं वो लगभग सेम ही है कि हार्ड स्टूल आना, मोशन के टाइम पे प्रेशर आना, स्टूल के टाइम पे प्रेशर आना और कब्ज होना। तो हमें बेसिकली प्रिवेंशन अगर फिशर का करना है कि फिशर हमको ना हो या किसी को भी ना हो, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो उसका मोशन है वो स्मूथ इवैक्यूएशन हो, हार्ड स्टूल ना हो, कब्ज ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा आहार है, जो खाना है, वो हम टाइम से खाएं। खाने में जो है हम जो है एक बैलेंस डाइट लें जिसमें कि फाइबर प्रचुर मात्रा में हो। जो रोटियां हैं हमारी, गेहूं के आटे की जो हम यूज़ करते हैं, वो होल व्हीट जिसमें से बिना छाना जो आटा होता है वो यूज़ करें। और खाने में जो है नॉर्मल सब्जियों का इस्तेमाल करें, और सलाद के तौर पे आप फ्रूट में पपीता या अमरूद वगैरह भी ले सकते हैं। मूली का जो सेवन है वो पाइल्स में भी और फिशर में भी जो है कब्ज के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मूली का सेवन जो है फ़ायदेमंद है काफ़ी। उसके अलावा जो है दही छाछ के बारे में हमने पाइल्स में भी बताया था, इसमें भी हम बता रहे हैं कि दही और छाछ का अगर हम जो है इनटेक करेंगे और दिन के समय में करेंगे, रात में नहीं करेंगे, तो वो हमें फ़ायदा करेगा। तो ये आपके कॉमन जो है इसका प्रिवेंशन के जो है वो उपाय हैं। उसके अलावा अब अगर किसी को फिशर हो जाता है, उसके लिए टॉयलेट जाना एक बहुत जो है डरावना भयावह अनुभव होता है, क्योंकि उसको दर्द होता है। बीमारी का लक्षण में जो है मलत्याग के समय उसको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, जो पेन काफ़ी बहुत ज़्यादा होता है और काफ़ी देर तक भी बना रहता है। तो इसके लिए जो है अब जो है फिशर हो गया है, इसके लिए हमारे पास आयुर्वेद में बहुत सारी जो है दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिससे कि उसको जो है उसमें पेन और इन्फ्लेमेशन में फ़ायदा मिलेगा, और जो जख्म जो बन गया है उसके लैटरिन के रास्ते में, उसको हील होने में भी फ़ायदा, मतलब जल्दी हील होगा। उसमें आपके जात्यादि तेल हैं और जात्यादि घृत है लगाने वाली दवाइयों में। और उसके अलावा जो है कभी कभी जब फिशर पुराना हो जाता है, मतलब व्यक्ति उसको इग्नोर कर रहा है, लंबे टाइम से झेल रहा है और कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर के पास नहीं गया है, तो कभी कभी उसमें हार्ड टिश्यू जम जाता है वहाँ पे, मतलब अनहेल्दी तरीके से हीलिंग होती है। तो वो पुराना फिशर जो हो जाता है, उसको हमें फिर सर्जिकली जो है उसको ठीक करना पड़ता है, या फिर उसको हम क्षार सूत्र से भी करते हैं। क्षार सूत्र से जो फिशर का जो वो है, जो जख्म है, उसके पास क्षार सूत्र बांध देते हैं एनेस्थीसिया दे के अंडर, और जो है वो फिशर जो है उसका वो जो अनहेल्दी टिश्यू है वो रिमूव हो जाता है, और वो फिर धीरे धीरे हील हो जाता है। इस बीच में आयुर्वेद में हमारे पास जो है मोशन को ठीक करने के लिए, कब्ज के लिए त्रिफला चूर्ण या फिर ईसबगोल या फिर पंचसकार चूर्ण वगैरह भी हैं। लेकिन हम जो है ये हमारी ये सलाह है आपको पर्सनली कि जो आप फिशर के लिए भी अगर प्रॉब्लम होती है, लैटरिन के समय दर्द होता है, तो उसको आप चेकअप कराएं। चेकअप के बाद ही जो है ट्रीटमेंट प्लान करें तो ज़्यादा अच्छा है, और ट्रीटमेंट आप खुद ना प्लान करें, आपके जो डॉक्टर हैं जिन्होंने आपको देखा है वो उसको प्लान करेंगे। उसकी दवाइयों की डोज आपकी प्रकृति के अनुसार डिसाइड करके उसको जो है देंगे, तो आप जो है जल्दी ठीक होंगे और आप जो है कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, आराम से जो है ये ठीक हो जाएगा। अगर क्षार सूत्र या फिर सर्जिकली उसकी भी जरूरत पड़ती है, तो क्षार सूत्र उसमें एक अच्छा विकल्प है और आप उसको जो है अपना सकते हैं। उसमें काटा पीटी कुछ नहीं होती है, मतलब कट नहीं लगता है, नॉर्मली क्षार सूत्र के धागे से ही वो होता है, और उसमें 10 से 15 दिन में पेशेंट ठीक भी हो जाता है। तो हमारी यही सलाह है अंत में आपको कि अगर फिशर की प्रॉब्लम आपको हो जाती है, तो आपको जो है उसको जो है इग्नोर नहीं करना है। स्पेशली
स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास या जो है आयुर्वेद फिजिशियन के पास आप जाइए और आप उनसे सलाह लेके इसका जो है ट्रीटमेंट कराइए। उम्मीद है कि आपको जो है इससे हमारी जानकारी से जो है काफ़ी जो है स्वास्थ्य को बरकरार रखने में जो है मदद मिलेगी और आपको जो है आगे भी हम इस तरह की वीडियो जो है आपसे शेयर करते रहेंगे। और आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।